दोस्तों हमें ऐसी कहानियां पसंद है जिसे देखकर रात भर ये दिमाग उसी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में सोचता रहे, और ऐसे ही सस्पेंस, साजिश और रहस्य का एक नशीला मिश्रण पेश करने वाली है ये आज के साउथ इंडियन सिनेमा के टॉप 5 सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज। आज हम करेंगे उन सस्पेंस, क्राइम, मिस्ट्री से भरी हुई कहानियों का खुलासा, क्योंकि ये ट्विस्ट एंड टर्न्स, सस्पेंस और थ्रिल वाली कहानियां आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है। और बेस्ट पार्ट है कि ये सारे मूवीज आप आराम से अपने घर में बैठे अपने OTTs में ही देख सकते हो। चलिए बकल अप एंड लेट्स डाइव इन। दोस्तों आज के लिस्ट के नंबर 5 में है तमिल थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी उत्तमा विलन। बेसिकली ये एक पॉस्थमस फिल्म है तमिल इंडस्ट्री के एक्टर डायरेक्टर के बालचंद्र जी की, जहां कहानी एक ऐसे आदमी की है हु प्लेड वेरियस रोल्स बट हिज मोस्ट चैलेंजिंग रोल वाज हिज ओन गॉडडैम लाइफ। इस मूवी में हम मिलते हैं सुपरस्टार मनोरंजन से, जिसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। इस खबर के बाद वो अपने मेंटर के पास जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक आखिरी फिल्म को डायरेक्ट करे। इस फिल्म में मनोरंजन एक फोकलोरिस्ट कॉमेडी में उत्तमन का रोल निभाते हैं, जो निरंतर रूप से मौत को धोखा देती रहता है। बड़े बड़े क्रिटिक्स इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग रिव्यूज दिया है। कमल हसन की ब्रिलियंट राइटिंग और एक्टिंग दोनों ही काफी लाजवाब है। फिल्म के ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, ड्रामा और इमोशंस आपको डीपली इफेक्ट करेगा, और इसके म्यूजिक एंड BGM मूवी को बहुत ही सोलफुल बनाती है। ये फिल्म आपको एक इमोशनल जर्नी पर ले जाएगी, जहां आपको हंसी भी आएगा और आंखों में कई बार आंसू भी। कमल हसन जी की वो ड्यूअल रोल इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। इसके सिनेमाटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग नैरेटिव इतनी पावरफुल है कि आपको एंड तक बांध के रखेगा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगा, तो 7.3 IMDb रेटिंग के साथ उत्तम विलन आपको जरूर देखनी चाहिए, और ये मूवी आपको Z5 में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर 4 में है तमिल पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी कदुगु। इसकी कहानी एक छोटे शहर के सिंपलटन पांडी नाम का एक बंदे के अराउंड घूमता है, जो एक फोक आर्टिस्ट है और पुलिवेशियम में स्पेशलाइज करते हैं। इस फिल्म में पांडी एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल के अगेंस्ट जस्टिस के लिए लड़ता है, एक 14 साल की बच्ची के लिए जिसे एक मिनिस्टर ने मोलेस्ट किया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी स्टोरी और कैरेक्टराइजेशन। ये फिल्म आपको एक बढ़िया थ्रिलर स्टाइल में बताती है कि कोई भी इंसान इनहेरिटेंटली गुड या बैड नहीं होता, बल्कि उनके सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस उन्हें डिफाइन करता है। राजकुमारन की एक्टिंग एस पांडी और वरद जी की परफॉर्मेंस एस नंबी ने इस फिल्म को एक मस्ट वॉच फिल्म बनाती है। कहानी आपको पांडी के सपनों और स्ट्रगल्स में ले जाएगी, जो आपको अंदर से डीपली अफेक्ट करेगी। फिल्म के कैरेक्टर्स इतने चार्मिंग है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे और उनके लिए अंदर से रूट करोगे। इस फिल्म का वो कोस्टल विलेज ऑफ थारंगपट्टी का सेटिंग्स और सिनेमाटोग्राफी आपको विजुअली बहुत ही इंप्रेस करेगा और एक रिलेटेबल टच देगा। अगर आपको रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट में थ्रिलर कहानियां पसंद है, तो 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको Z5 में देखने को मिल जाएगा। आज के लिस्ट के नंबर 3 में है तमिल पॉलिटिकल क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी उरियाडी। क्या पसंद है तो 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको आहा में देखने को मिल जाएगा। आज के इस लिस्ट के नंबर 2 में है तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी कुरंगबोम्मई। ये एक ग्रिपिंग थ्रिलर कहानी है, जिसमें एक ऑनेस्ट ड्राइवर अपनी बेटी के शादी के लिए एक पैसे वाला बैग की तलाश में है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके अपने पिता उस बैग का इस्तेमाल एक चोरी की गई मूर्ति को मूव करने के लिए यूज करी है। इस फिल्म की नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या होने वाला है। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेगा कि डेफिनेटली आपको मजा आएगा। कैरेक्टर्स की फेनोमेनल परफॉर्मेंस और वो टाइट स्क्रीन प्ले इसे एक 100% मस्ट वॉच मूवी बनाती है। फिल्म का प्लॉट इतना एंगेजिंग है कि आपको हर एक सीन में कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर आपको सच में माइंड बेंडिंग थ्रिलर्स के साथ आज के टाइम के रिलेवेंट सोशल मैसेजेस के साथ कहानियां पसंद है, तो 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको Z5 में और YouTube में देखने को मिल जाएगा। अब आज की इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है तमिल सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी अयोथी।
एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें एक कंजर्वेटिव नॉर्थ इंडियन फैमिली की कहानी को दिखाई गई है जो एक स्पिरिचुअल ट्रिप में निकलती है रामेश्वरम की ओर। लेकिन ये ट्रिप उनके लिए एक डिजास्टर बन जाता है जब एक्सीडेंट में उस फैमिली के मेंबर जानकी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और इसके बाद अनफोल्ड होती है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की जो उस फैमिली के लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। अयोध्या की कहानी आपको डीपली इफेक्ट करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। फिल्म के एक्ट्रेस ने अपने कैरेक्टर्स को इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट की है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। फिल्म के मैसेज लव ओवर रिलीजन आज के इस डिवाइडेड वर्ल्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है और इसीलिए 8.2 IMDb रेटिंग के साथ ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग वाली मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए और ये आपको Z5 के साथ साथ YouTube में भी फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड टॉप 5 साउथ इंडियन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स मैच करें तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करते हुए जाना और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जेम रिकमेंडेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।